दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी एक इनकम का और सोर्स जनरेट कर सकते हैं। बस 10% मात्र अपने 10% इनकम का एक हिस्सा निकाल के आप उसे किसी अच्छे स्टॉक या किसी कंपनी के अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप एक लाइफ टाइम इनकम पाने वाला सोर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों जब बात होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की और उससे पैसा कमाने की, तो सभी लोग ये कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने का अच्छा टाइम तब होता है जब उसका प्राइस नीचे की ओर आ रहा होता है, और उस स्टॉक को बेचने का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब उसका प्राइस ऊपर जा रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसके कुछ ही टाइम बाद जाके वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन हम पैनिक में आकर उन स्टॉक्स को और ज़्यादा सेल करने लगते हैं जिससे हम अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसा स्टॉक हो जो कभी बेचना ही ना पड़े और आपको एक पैसिव इनकम हमेशा आती रहे। दोस्तों ऐसा हो सकता है, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक अच्छी कंपनी ढूंढकर जिसकी फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और कंपनी आगे फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ कर सकती है, ऐसे कंपनी को ढूंढकर एक अच्छा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और जिसके थ्रू वो एक और वो कंपनी आपको एक डिविडेंड भी देती है जिससे आपका एक फिक्स पैसिव इनकम हो जाता है लाइफ टाइम। दोस्तों आज हम आपको जिस बुक की समरी बताने जा रहे हैं उस बुक का नाम है कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, जिसके ऑथर हैं फिलिप ए फिशर, और इनके अनुसार हमें ऐसे स्टॉक खरीदने चाहिए जिसे कभी भी बेचने की हमें ज़रूरत ना पड़े और हम उन स्टॉक यानी उन कंपनीज के डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि हम ऐसे स्टॉक को ढूंढने कहते हैं और कहाँ पे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीडियो के हम लास्ट में आपको बताएंगे एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जिसकी जहाँ पर जाकर आप उन स्टॉक्स की कंपनीज की पूरी डिटेल, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो उनकी प्रॉफिट हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर उनकी ग्रोथ हो, सारी चीज़ें आप डिटेल में वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स या कंपनी होंगी जो आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती हैं। फिलिप ए फिशर जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और इस बुक के ऑथर भी हैं, वो भी खुद इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो ऐसे स्टॉक या कंपनी को ढूंढते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके और उन्हें कभी भी बेचने की ज़रूरत उन्हें ना पड़े और एक डिविडेंड के रूप में उनको एक फिक्स इनकम, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं दोस्तों, वो उनको मिलता रहे। ऑथर ने 1954 में मोटोरोला कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उनके उस स्टॉक को उन्होंने कभी भी सेल नहीं किया और उसे लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखा। वो स्टॉक इतना ग्रो कर चुका था कि उन्हें कभी भी उस स्टॉक को बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उस स्टॉक से उनको डिविडेंड भी आता रहा। दोस्तों वॉरेन बफेट का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, वो भी ऑथर की इस टेक्निक का यूज़ अपने इन्वेस्टिंग में करते हैं। वॉरेन बफेट को भी कोका कोला का प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया और ये देखते हुए कि लोग भी उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, देखिए वॉरेन बफेट ने कोका कोला में 1988 में $1 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया और जिसकी कुल टोटल जो कंपनी में वैल्यू है वो 6.2% की उनकी हिस्सेदारी को पक्का करता है। एक अच्छी कंपनी या वैल्यूएबल कंपनी को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। बस सिंपल भाषा में कहें तो हमें अपने आसपास के लोगों, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड उस मार्केट में ज़्यादा है। इस बात का एग्जांपल हम वॉरेन बफेट से ले सकते हैं। वॉरेन बफेट एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि जब वो छुट्टियों में अपने ग्रैंडसन के साथ हॉलीडे या घूमने जाया करते थे तो वो सभी बच्चे एप्पल का ही फ़ोन यूज़ करते थे और ये देखते हुए अपने आसपास भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी लोग थे, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों, चाहे वो कहीं मार्केट में हों, मैक्सिमम लोग उस एप्पल का ही फ़ोन यूज़ करते थे। ये देखते हुए उनको काफ़ी वैल्यू नज़र आई उस एप्पल के फ़ोन में और डिमांड में भी। तो इस चीज़ को देखते हुए वॉरेन बफेट ने उस कंपनी के बारे में रिसर्च की और उसके बाद उस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया। जब वॉरेन बफेट ने कोका कोला के शेयर में इन्वेस्ट किया तो उस समय एक शेयर की जो कीमत थी
वो थी $31,000 जो कि आज उसकी कीमत है $7 मिलियन। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि वॉरेन बफेट को कोका कोला के शेयर से कितना प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों जब वॉरेन बफेट की बात हो ही रही है तो मैं आपको उनकी एक गोल्डन रूल जो उनके इन्वेस्टिंग का है वो आपको बताना चाहूँगा। उनका कहना है डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि दोस्तों आपको अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स में नहीं डालने हैं, बल्कि उसे कम से कम अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है 8 से 10 स्टॉक के बीच में, जिससे ये फ़ायदा होगा कि अगर एक दो शेयर के प्राइस भी अगर नीचे गिरते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा और ऑन एवरेज आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ए बी और सी में इन्वेस्ट किया। कंपनी ए से आपको एक साल में 50% का प्रॉफिट होता है, कंपनी बी में आपको थोड़ा नुकसान हो जाता है, 20% आप लॉस में चले जाते हैं, लेकिन कंपनी जो सी है उस कंपनी में आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और 90% का आपको उसमें गेन होता है। तो अगर हम इसको एवरेज करके देखें तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, आप नुकसान में नहीं है। वहीं अगर आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया होता तो उस स्टॉक का अगर प्राइस नीचे जाता तो आपका सारा का सारा पैसा नीचे जो जाता यानी आपका नुकसान हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपने अलग अलग शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है अपना अमाउंट। सो अगर आप उसको एवरेज करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो प्रॉफिट में नज़र आएगा, ना कि नुकसान में। ऑथर के अनुसार हमें सिर्फ उतना ही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारे बजट या हमारे घर की आर्थिक स्थिति पर कोई फ़र्क ना पड़े, और अगर कोई इमरजेंसी या छोटी मोटी चीज़ ज़रूरत भी हो तो हमें उन स्टॉक्स को बेचने की नौबत ना आए। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो ऑथर के अनुसार हमें ऐसे स्टॉक को ढूंढना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों साल ग्रो करती रहे और हमें डिविडेंड के रूप में एक पैसिव इनकम भी आती रहे। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है वही सिर्फ अच्छी कंपनी होती है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये ज़रूरी है कि आप एक तो पहले अच्छा बिजनेस ढूंढें फिर उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से रखें, ना कि शॉर्ट टर्म से, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी बड़े बिलियनर हुए हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर हुए हैं उन सब ने अपनी इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए ही करी थी, तभी वो आज जाके इतना वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर पाए हैं। शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से आप चाहे उनकी बैलेंस शीट हो, चाहे उनके प्रॉफिट हो, चाहे उनके चार्ट हो, आप उन सबको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो कंपनी किस इंडस्ट्री की है, किस फील्ड में काम करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उनके कौन से क्लाइंट्स हैं, ये सारी जानकारी आपको उसी सिंगल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो उस वेबसाइट का नाम है screener.in, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाके आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी और यहां से आप अपनी डिटेल लेके किसी भी अच्छी कंपनी को चुन सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना हो। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी इनकम का पार्ट निकाल कर हर मंथ उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जॉब करके आप कभी भी वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो चाहते हैं करना।